Welcome back to my channel everyone. Today I will show you how to make 3D text thumbnail. Open your Pixel Lab and select font. और फ़ॉन्ट के अंदर जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे फाइव हंड्रेड सब लिखने के बाद मैं इसे कैपिटल में कर लूँगा। उसके बाद फ़ॉन्ट चूज करूँगा। वो फ़ॉन्ट एक मिनट, वो फ़ॉन्ट ये रहा नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, और इसका साइज बढ़ा लेंगे। ये कुछ फॉन्ट ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस फॉन्ट को चेंज कर दूंगा। ये सही फॉन्ट है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D नहीं, ये प्रोजेक्टरी करके कुछ ऑप्शन है जिससे ये कुछ ऐसा हो जाता है। आपको करना होगा तो ही आप इसे ट्राई करें, ना ही तो ना छोड़ दें इसे। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D करके, 3D में जाएं और यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन है जिससे ये पीछे ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं कलर ब्लैक चूज कर लूँगा। और डार्कनेस बढ़ा दूंगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड है जो मैथ में होता था, ग्राफ में कुछ ऐसा ही है, इसी से होता है लेफ्ट राइट। इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म करके सेव कर लूँगा। इसके बाद बैकग्राउंड इरेजर के लिए बैकग्राउंड इरेजर ऐप करके आता है, ये ऐप ओपन कर लेंगे। इसमें जो भी आपको बैकग्राउंड इनपुट करना है कर ले, आगे का पार्ट छोड़ के पीछे से इरेज कर लेना है। उसके बाद PS टच या PSCC ओपन करेंगे और मैं अपना बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ जो यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट, वो कहाँ गया, ये रहा। ऐड करने के बाद और एक टेक्स्ट ऐड करना है मेरे को, वो जो 3D टेक्स्ट मैंने PS पिक्सल लैब में बनाया था। इसका साइज बड़ा कर लेंगे, जितना आपको रखना है उतना रखें, मुझे इतना बड़ा ठीक लग रहा है तो मैं इतना बड़ा रखूँगा। और उसके बाद PNG ऐड करेंगे जो बैकग्राउंड इरेजर में इरेज किया था हमने। ये इरेज करने के बाद इसे ऐसे सेट कर लेंगे। और इस पे मैं थोड़ा साइड में येलो सा डालना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। मैजिक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट लेयर लेंगे इसे, इसके बाद येलो से फिल कर देंगे। फिल एंड स्ट्रोक में जाके वो कलर एक बार मिल जाए, वो येलो नहीं है, कुछ ऑरेंज टाइप से है। हाँ ये मिल गया, ये रहा। इसके ऊपर से वाइट एक इम्पिटी लेयर लेके वाइट डालना है कलर। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद वो फिल एंड स्ट्रोक में जाके वाइट कलर से फिल कर देंगे और बस कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।